हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेली जॉइन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आपके पास कागज़ वाला वोटर कार्ड है इस तरह का और वह ख़राब हो गया है या खो गया है और अब आप पीवीसी वोटर कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे इस तरह का पीवीसी वोटर कार्ड फ्री में कैसे मंगा सकते हैं, आज की इस वीडियो में कम्प्लीट आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप घर बैठे पीवीसी वाटर कार्ड कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में आने के बाद आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। यहाँ सर्च में लिखेंगे आप हेल्पलाइन वाटर और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको पहले नंबर पर ही वाटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन मिलेगी, आपको इस पर क्लिक करना है और आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ओपन हो जाने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगा, आप यहां आई एग्री पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यदि आप अपनी भाषा इंग्लिश रखना चाहते हैं तो गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यदि हिंदी करना चाहते हैं हिंदी पे क्लिक करके यहां गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहां गो इट पे क्लिक करेंगे। गो इट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगा, आपको यहाँ वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी कार्ड फॉर्म 001 इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालकर सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, वह ओटीपी आप यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। डू यू ऑलरेडी हैव वोटर आईडी कार्ड नंबर, यदि आपके पास पहले से ही वोटर आईडी नंबर है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप यहां पर अपना प्लीज इंटर योर वोटर आईडी नंबर के नीचे आपको यहाँ पर अपना वोटर आईडी नंबर डालना है, जो भी आपका है। वोटर आईडी नंबर डालने के बाद आप फैच डिटेल पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके वोटर आईडी की सभी डिटेल आपके सामने आ जाएगी इसमें। इसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ इंटर योर करंट एड्रेस, अपना करंट एड्रेस फिल करना है, जो आपका मकान नंबर है और आपका जो एरिया है जिस एरिया में आप रहते हो, और अपना विलेज और पुलिस स्टेशन। उसके बाद पिन कोड करके आप नेक्स्ट कर देंगे। रीज़न फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी कार्ड, आप अपने वोटर आईडी कार्ड को रिप्लेसमेंट क्यों करना चाहते हैं, उसके बाद उसका आप यहाँ पर रीज़न डालेंगे। रीज़न डालने के बाद आप नीचे मेल फीमेल और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और जन्म तिथि डालकर आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ चॉइस ऑप्शन टू कलेक्ट वोटर आईडी कार्ड, आप अपने वोटर आईडी कार्ड को सीएससी से कलेक्ट करना चाहते हैं या आप पोस्ट द्वारा लेना चाहते हैं या आप बेलो के थ्रू लेना चाहते हैं, इसमें जिस भी द्वारा आपको लेना है आप उस पर क्लिक कर देंगे। मैंने यहाँ पर बाई पोस्ट लेना है तो मैं बाई पोस्ट पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नाम ऑफ एप्लीकेंट में आप यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे, जिसका भी वोटर आई डी कार्ड है पहले इसमें आप उसका स्थान डाल देंगे, जो भी उसका स्थान है जहाँ पर आप लेना चाहते हैं। उसके बाद आप नीचे डन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप इसे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे और नीचे कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर योर रेफरेंस नंबर आईडी मिल जाएगी, इससे आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आप यहाँ एक्सप्लोर पे क्लिक कर देंगे। एक्सप्लोर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपनी रेफरेंस नंबर आईडी डालेंगे और यहाँ ट्रैक स्टेटस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक करके चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने अपनी एप्लीकेशन ट्रैक की है अपने रेफरेंस आईडी नंबर डालकर। मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो चुकी है, यहाँ पर डेट और टाइम दिखाएगा आपको। उसके बाद बेलो अपॉइंटमेंट होगा, उसके बाद फील्ड वेरिफिकेशन होगा और यहाँ आपको लास्ट में एक्सेप्ट रिजेक्ट हो जाएगी। यदि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो 2 महीने के अंदर ही आपका वोटर आईडी कार्ड आपके घर पर पहुंच जाएगा। इस तरह आप अपने वोटर आईडी कार्ड को दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।